हरियाणा में गिन्नौर विधानसभा से देवेंद्र कौशिक जी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। देवेंद्र जी, अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि केवल पर्ची से जो है नौकरी दी जाएगी, हर गांव की पर्ची लगेगी, उसके ऊपर में क्या आप देखिए, कांग्रेस पार्टी है जो भ्रष्टाचार की का गंदा नाला है, नदी भी नहीं कहूँगा मैं, गंदा नाला है। पहले भी इन्होंने ये काम किया, पैसे दे के लोगों को नौकरियाँ दी, तो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। उनको अगर कहीं गलती सत्ता उनके हाथ आ गई तो सारी नौकरियाँ बेच देंगे, इस हरियाणा को बेच देंगे। अच्छा, ये बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, अभी मैं कई सारे इलाकों में गया, इसको लोग बड़ा सराहना कर रहे हैं कि भाई बिना पैसे दिए पहली बार इस तरीके से जो है वो नौकरियां लोगों को देनी शुरू हुई। तो ये आगे भी आप लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1.5 लाख के करीब नौकरियां दी हैं, जो रिकॉर्ड की बात है। उसमें किसी भी, मेरे जो पढ़े लिखे नौजवान थे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी, घर बैठे बैठे उनको सरकार ने बिना खर्चे और बिना पर्ची के बहुत ईमानदारी से उनकी मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं। अच्छा, अभी एक सवाल कि गिन्नौर विधानसभा से निर्मल जी, अभी आपके पीछे भाषण उनका चल रहा है, वो यहाँ से वर्तमान जो है विधायिका रही हैं, आपके जो बड़े भाई हैं वो मिनिस्टर रहे हुए हैं, तो क्या लगता है कि किस कारण जो है निर्मल जी कट कर फिर आपको टिकट दिया? देखिए, संगठन का फैसला है। निर्मल जी बहुत अच्छी विधायक थी, मेरी बहन ने बहुत काम किए और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम कर रही हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो फैसला करता है उसको सभी भारतीय जनता पार्टी के जो भी मेरे कार्यकर्ता वो मानते हैं। अच्छा, एक यहाँ से बीजेपी के जो बागी उम्मीदवार हैं वो भी खड़े हुए हैं, उनका आरोप है कि पैसे देकर जो है वो टिकट दिया गया, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो आदमी ऐसी घिनौनी बातें करता है, ऐसी अगर उसको, वो भारतीय जनता पार्टी में रहा है, उसने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, उसको पता है भारतीय जनता पार्टी में कभी टिकटें बिकती नहीं, संगठन है, ऊपर से सर्वे के आधार पर टिकटें दी जाती हैं, केंद्रीय ने तो टिकट देता है। अच्छा, अगर आप यहाँ से आप प्रत्याशी हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर नहीं हुई हैं जिनको आप करने का इरादा रखें? देखिए, पिछले 10 साल में बहुत काम हुआ, आप देखें कितने नेशनल हाईवे बने हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। थोड़ी बहुत जो भी समस्याएं हैं, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ थोड़ी सीवर की प्रॉब्लम है और उसको हम दूर करेंगे और एक विकसित गुनौर बनाने की तरफ बढ़ेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। Thank you.